प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना फरिया कस्बा के नजदीक गांव नगला अखई पर प्रसपा पार्टी के आदित्य यादव ने गांव में भोलेनाथ के मंदिर के पास नुक्कड़ नाटक सभा की, फिर पूरे गांव में भ्रमण किया और घर घर जाकर वोट मांगे, चुनाव चाबी बताई। उन्होंने कहा, आपके जिले से दो दो सांसद हैं, एक खुद अक्षय यादव, दूसरे उनके पिता, तो कुछ विकास नहीं हुआ। पूरा गांव यादवों का होने के बावजूद मेन रास्ता बहुत ही खराब है और पानी की दिक्कत है। यह सारी परेशानियां ग्रामीणों ने बताई तथा भारती नंद यादव के नेतृत्व में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ, जिसमें जितेंद्र यादव, मनोज यादव, रणवीर सिंह, सर्वेश रामू, रामकिशन, विनोद, हरि सिंह राजपूत आदि लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आग्रह किया है कि अपने ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने हमसे कहा, आप चुनाव लड़ो। हरिओम विधायक सिसागंज अजीम भाई, पूर्व विधायक और भी, उन्होंने अपनी ही सरकार को परेशान किया गया। मुकदमा लगे जिन लोगों ने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, ये लोग हमारे प्रसपा पार्टी के साथ हैं। फरिया से मोनू जैन की रिपोर्ट, एस कैच न्यूज। भी दिल्ली तो हो सकता है कि आपको लताड़ के भेज दिया जाए, तो सबको मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं भी कोई कांड हो गया। लेकिन सतपाल सिंह चाचा जी के अंदर, सतपाल सिंह चाचा जी के अंदर ऐसी बात कोई नहीं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, हमारा सौभाग्य है कि जिला फिरोजाबाद से हमारे बीच में सतपाल सिंह यादव जी आए हैं। और वास्तविकता में अगर किसी ने संघर्ष के साय में रास्ते किए हैं, तो उनका नाम सतपाल सिंह यादव ही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं ये लोग विरोधी हो चुके हैं, इनको सिर्फ गद्दी दिख रही है, इनको सिर्फ लालसा हो गई है गद्दी की और सरकार की। आज टोपी लगाने से टोपी पहन ली लाल, समाजवाद मान लिया, समाजवाद ऐसे थोड़ी ना आप लोग के बीच आके देखे। आखिरी बार आज सांसद अक्षर आपके बीच कब आए? समझता हूँ जब वोट मांगा होगा, वोट मांगा होगा तब आए होंगे, उसके बाद नहीं आए। जबकि आप लोग अपने लोगों का पूरा गांव अपना है, 100% पूरा गांव अपना है, तो उसके बाद कम से कम मैं कह रहा हूँ, काम करते ना करते आगे हालचाल पूछ लेते, धन्यवाद दे देते कि भाई आपने हमको पूरा वोट दिया, आप हमें धन्यवाद ही दे देते आके कि भाई आप सबने हमें वोट दिया। आपने जवाब में तो कसे ना होना, गाँव वाले देखते हुए सब लोग बैठ गए। तो धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हमारी मीटिंग हुई और आप सबने यहाँ पे एकजुट होकर हम लोगों की बात हम लोगों को रखने का मौका दिया, उसके लिए आप सबका सबसे पहले धन्यवाद। आप लोगों ने जो समस्या भी बताई, और मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र की, इस बेल्ट की कहीं ना कहीं मुख्य समस्या पानी ही रही है। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे नेता सतपाल सिंह जी, ये निर्णय जो उन्होंने चुनाव लड़ने का लिया, वो भी कहीं ना कहीं जब फिरोजाबाद की जनता ने उनसे आग्रह किया, यहाँ के नेता माननीय हरिओम विधायक जी, छोटू विजय प्रताप, छोटू अजीम भाई, सभी लोगों ने जब यहाँ पे आके, उपाध्याय जी ने, सभी लोगों ने जब हमारे नेता से आग्रह किया कि फिरोजाबाद की लोकसभा की स्थिति बहुत खराब हो गई, आप लोगों को एक ऐसा प्रतिनिधि मिला, मैं समझता हूँ ये तो एक ऐसा गांव है जिसने सालों दर साल समाजवादी पार्टी जब रही तो पूरा वोट आप लोगों ने देने का काम किया, क्योंकि हम लोग आप ही लोग के बीच से उठ के आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तब कहीं ये पार्टी बनी। हम थोड़ा पीछे जाएं तो याद करें, जब 92 में इस पार्टी की गठन हुआ था तो नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, जसवंत नगर से चुनाव लड़ते थे, उस समय पे भी इमरजेंसी लग गई थी और नेताजी जेल चले गए, तो वहाँ पे भी जेल में रहे थे तब भी हमारे नेता माननीय सतपाल सिंह जी ने, ओ मेरी बहना अब बस तुम रोटी नू मसाले लाओ, ओ अपनी रसोई की तुम बहना फिर से शान बढ़ाओ, ओ मेरी बहना अब बस तुम रोटी नू मसाले लाओ, ओ अपनी रसोई की तुम फिर से देखो शान